भव्य राम दरबार बना रहे हैं, वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं प्रभु राम की। 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा, रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा में उनका चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। बार का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है और पूरे जोशों खरोश से इस बार पूरे हिंदुस्तान भर में उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशों खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है, भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी, बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, गमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है, भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी, बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार, चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था।
हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो वहां नक्सली गोलियां चलती हो ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग तो उम्मीद लगा रखे थे कि बिहार की जनता के बारे में वो कुछ तोहफा देंगे, कुछ बताएंगे कि उन्होंने 10 साल तक बिहार के लिए क्या किया। जितने वादे थे सब चीज भूल गए। इनके जो घोषणा पत्र में भी बिहार के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को, बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। हम लोग तो उम्मीद लगा रखे थे कि बिहार की जनता के बारे में वो कुछ तोहफा देंगे, कुछ बताएंगे कि उन्होंने 10 साल तक बिहार के लिए क्या किया। हम इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बोले, विशेष पैकेज के बारे में बोले, क्या उन कामों को ये भूल गए हैं जो इन्होंने वादा किया था। जितने वादे थे सब चीज भूल गए। नवादा वारसलीगंज जाते हैं वहां बोले थे पिछली बार चीनी मिल चालू करवाएंगे, मोतिहारी गए थे चीनी मिल चालू करवाएंगे, कुछ नहीं मिला। इनके जो घोषणा पत्र में भी बिहार के लिए कुछ नहीं है। तो मोदी जी तो हम ही लोगों को गाली देंगे और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को, बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। यही चार चीज मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। गरीबी दिया उन्होंने, बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया और जुमलेबाजी। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।